तो हाय 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 फ्रेंड्स, मतलब वाजा बज रहा है ना उधर, तो डांस करने का मन करता है ना। चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी के बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई आप हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप खाली कोल्हान यूनिवर्सिटी को पढ़ा रहे हैं और हम लोग को भूल गए। हम बोले नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, हम आपको भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए इसीलिए हम आप लोग के लिए आज लेते आए हैं एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट भाग। ठीक है, हम लोगों ने 3 भाग अपलोड कर दिया है सीरीज का और ये हमारा 4th पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे इंटरनल एंड इट्स यूजेज। ठीक है, इंटरनेट एंड इट्स यूज मतलब इंटरनेट और इसका उपयोग, यूनिट 5। ठीक है, तो आप लोग का कंप्लेन सुन लिए। बोल रहे थे भाई भूल गए हैं क्या हम लोग को। हम बोलत नहीं यार, हम नहीं भूलत वानी रवा लोगे, क्या क्या बोलते हैं यार भोजपुरी में। चलिए आप लोग ये मत सोच लीजिएगा भाई भोजपुरी बोलो, अरे विदेश मतलब बिहारी है क्या जी। नहीं नहीं, हम बिहारी नहीं है, हम पूर्ण झारखंडी है, खतियानी। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक। अरे यार ये कैसा हो गया, क्या हो गया। चलिए ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है। एक मिनट, क्या है ना कि अभी इलेक्शन का माहौल है तो चारों तरफ खाली शोर गुलाई सुनाई देता है। क्वेश्चन है हमारा पहला, बहुत बगैती कर लिए, व्हाट डज लेन स्टैंड फॉर। ठीक है, तो लेन का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल, एल से लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क लेन। और यह जनरली एगो ऑफिस में काम करने के लिए जो वाईफाई वगैरह लगते हैं ना, उसी तरह समझ लीजिए कि एगो पूरा का पूरा बिल्डिंग इससे आपका काम हो जाएगा। लैपटॉप का जितना भी है, कंप्यूटर का, एगो बिल्डिंग संभाल लेगा लैन। ठीक है, तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म है क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू से वाइड, एस से एरिया, एन से नेटवर्क। कहाँ पे लिखा है वाइड एरिया नेटवर्क, तो आपका वाइड एरिया नेटवर्क ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ठीक है, और वाइड एरिया नेटवर्क कितना बड़ा है, देखिए हम लोग का जो बैंक का एटीएम सब चलता है ना, ये इसी से चलता है, पूरा का पूरा देश तक फैल जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन कहाँ तक फैलेगा, वाइड एरिया नेटवर्क पूरा का पूरा देश तक, यानी कि जितना भी हमारा सिग्नल सब है। ठीक है, ये एटीएम का सिग्नल सब ये आपका वैन से चलता है, जितना भी हमारा टेलीविजन सब है वो सारा वैन से चलता है। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क से चलता है। देखो फिर से एक आ गए इलेक्शन कर, उन्होंने वहां से फोन किया, गाना तो चेंज कर दिया यार, कैसे समझिएगा इन लोग को फिर। चलिए पार हो गया, थोड़ा सा और भी साउंड है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन लोग इसी तरह से चुनाव आएगा ना तो यही पागल कर देगा। व्हाट डज मैन स्टैंड फॉर, नाच लीजिए आप लोग, गा लीजिए, झूम लीजिए। अच्छा केले में एकदम नहीं मिला, हाँ सब नेतवन चोर लगती। चलिए तो सब नेतवन चोर लगती ना, सब नेता चोर है, मतलब जब तक नेता है तब तक, नहीं नेता बने तब तक ठीक है, जब नेता बन गया तो चोर बन गया, मतलब क्या बताएं, आदमी ग्रेड की तरह रंग बदल देता है। चलिए जो भी है, लेकिन जब भी आप कहीं से गुजर रहे हो, अगर किसी की मूर्ति का विसर्जन हो रहा है या किसी का शादी का बारात जा रहा है, ठीक है, तो उस माहौल में थोड़ा सा नाच लीजिए, झूम लीजिए, गा लीजिए। ठीक है, किसी का अगर शव निकल रहा है तो थोड़ा सा रो लीजिए भाई, ठीक है, इमोशनल हो जाइए, मतलब जैसा माहौल है ना वैसा ढलना सीखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज मैन स्टैंड फॉर, मैन का फुल फॉर्म क्या है। देखिए लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरा का पूरा देश तक कवर कर देता है इसका नेटवर्क, इसका नेटवर्क पूरा का पूरा एगो बिल्डिंग तक ही कवर कर पाएगा, और मैन, मैन का जो है नेटवर्क है वो पूरा का पूरा शहर तक कवर कर लेगा, पूरा एगो शहर, जैसे पूरा का पूरा आपका रांची का मान लीजिए कि पूरा का पूरा कांके शहर को ही कंप्लीट कर दिया मैन। ठीक है, एगो इसका 20 से 30 किलोमीटर रेंज होता है, उतना दूर तक ये नेटवर्क फेंक सकता है मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन ये है आपका बिन नंबर एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये पूरा का पूरा एगो आपका शहर कवर कर लेगा। ठीक है, और नहीं दिया है मैन, वैन, लैन, तीन को दिया है। उसके बाद एक होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैम होता है, एक होता है आपका हाउस एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए हालांकि वो सब नहीं दिया है। अगला है व्हाट इज द इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। ठीक है, तो देखिए इंटरनेट क्या है,
तो इंटरनेट पूरे विश्व को एक तरह से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, पूरे विश्व को फैलाने वाला एक प्रकार का नेटवर्क है। तो हम लोग पूछ सकते हैं कि पूरा विश्व स्तरीय एक नेटवर्क कहां, विश्व स्तरीय पूरे जुड़े हुए कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क, ठीक है, और ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो विश्व के सभी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क है, इसी को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। और इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है, आईएन से इंटरनेशनल, और मतलब आई से इंटरनेशनल, एन से नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का अनुप्रयोग है, इनमें से कौन सा एक इंटरनेट का प्रयोग है। तो देखिए ईमेल जो है ना इंटरनेट का एक प्रयोग है, ठीक है। अब बोलिएगा ईमेल, ईमेल नाम सुना सुना लगता है, सुना सुना नहीं, ईमेल हम लोग सेंड करते हैं किसी को, ईमेल करते हैं, ठीक है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है ई से इलेक्ट्रॉनिक, एम से मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ये इंटरनेट का प्रयोग करता है, ऑप्शन बी, ठीक है। और ईमेल का खोज किसने किया है, रे टॉमलिंसन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा यहाँ पे, व्हाट इज एन आईएसपी, आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए वही तो फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आईएसपी क्या है, अरे भाई फुल फॉर्म दो, ठीक है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कहाँ पे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन ए में ही है, ठीक है। इंटरनेट देने वाला सेवा को ही आईएसपी बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं ना, किसका यूज करते हैं, सब कोई जनरली यूज करता है, गूगल फायरफॉक्स वगैरह ना। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, व्हाट डज www स्टैंड फॉर, ठीक है, www. उसके बाद क्या सर्च मारिएगा, www.youtubeindia.com, गलत नहीं सोचना बस, ठीक है, चलिए नेगेटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग। तो व्हाट डज www.www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए में ही हमारा फुल फॉर्म इसका मिल गया, ठीक है। वर्ल्ड मतलब विश्व, वाइड मतलब पूरा फैला हुआ, वेब मतलब वेब ब्राउजर, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, इसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। अगर पूछ दे कि www. का आविष्कार किसने किया या फिर फादर ऑफ www. किसे कहा जाता है, तो टिम बर्नर्स-ली उस व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो देखिए हम कोई सबको यूज करते हैं गूगल क्रोम, ठीक है, कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है गूगल क्रोम। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये तो प्लेयर है, ये भी एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐप, ठीक है, ये सभी ऐप है, लेकिन गूगल जो है एक क्या है, तो वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। फिर से वो आ रहा है ससुर का, क्या आ रहा है मालूम है ना, इलेक्शन का गाड़ी पाग होना चाहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए देखिए अभी शाम के 6:30 बज चुका है, 7:45, और अभी भी इलेक्शन गाड़ी घूम रहा है यार, मतलब रात को सोने दे नहीं बेटा लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है। जैसे यूट्यूब एक सर्च इंजन है हमारा, ठीक है, गूगल भी एक सर्च इंजन है, तो देखिए यहाँ पे देखना है कि कौन सा एक सर्च इंजन है। अब प्रोग्राम एग्जाम्पल नहीं दिया, यहाँ पे परिभाषा दे दिया है कि एक सर्च इंजन क्या है, तो एक प्रोग्राम जो निर्दिष्ट कीवर्ड के लिए दस्तावेज खोजता है, ठीक है, दस्तावेज खोजता है मतलब डॉक्यूमेंट खोजता है, ठीक है, और प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड, ठीक है, एक नहीं अनेक प्रोग्राम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक सर्च इंजन क्या है कि जो चीज आप खोजते हैं बहुत सारे प्रोग्राम आपके आ जाते हैं, जैसे आप किसी चीज को गूगल में मारते हैं, समझ लीजिए मान के चलिए आपने गूगल में लिखा इमेज, तो बहुत सारा इमेज आ जाता है, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या है कि अ प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैनी टाइप्स हो जाता है यहाँ पे, लेकिन आधा अधूरा लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक प्रोग्राम जो निर्देशित बहुत सारे हमें दस्तावेज दिखाता है। आगे देखते हैं अगला हमारा है कि व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर, तो यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, यूआरएल, लोग देखिए
कभी किसी का लिंक शेयर करते हैं तो वही लिंक को URL बोलते हैं। URL का परफॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहाँ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL, URL जो होता है ना HTTP, देखिए लिखा रहेगा HTTP कहाँ, यहाँ पे लिखा है तो मैं लिखा देता हूँ, अगर कहीं पे लिखा होगा तो नहीं लिखा है, देखिए इस तरह से लिखा रहेगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता, ठीक है। URL आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि व्हाट इज अ डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? सपोज जो हम लोगों ने यूज किया है 00 www. नहीं यार, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना ईमेल आईडी में आपका नाम, सपोज मेरा नाम है सागर कुमार, ठीक है, 00097w@gmail.com, तो @ जो gmail.com है लास्ट वाला, ठीक है, वो क्या है आपका डोमेन नेम। लास्ट में gmail.com दे दिए, चाहे लास्ट में apple.com, ठीक है, बहुत सारा का नाम है, ईमेल है, जीमेल है, हॉटमेल है, ठीक है, तो लास्ट में हम जैसे लिखते हैं www.sagarsav0597@hotmail.com, ठीक है, तो हॉटमेल जो लास्ट में आया वो हमारा डोमेन नेम है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम जांच करेंगे कि सागर साव फलना डिम का मतलब वर्ड कोई भी 3-4 को, उसके बाद ईमेल, ठीक है, .email.com, तो .gmail.com जो लिखते हैं ना वो जीमेल हो गया, चाहे हॉटमेल हो गया, बहुत सारा मेल कंपनी है, तो जो कंपनी है email.com या gmail.com या फिर hotmail.com, तो ये सभी आपका डोमेन नेम है। और पहले वाला जो नाम रहता है उसको बोलते हैं यूजर नेम, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पे देता हूँ तो हम समझा देते हैं आपको, चलिए समझ गए होंगे फिर भी। ईमेल आईडी का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूजर नेम, और जो लास्ट वाला .com के बाद का एड्रेस होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या है? तो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता है, ठीक है, द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है कि इंटरनेट का एक बहुत सारा नियमों का कानूनों का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल पता जिसका उपयोग नेटवर्क को खोजने के लिए किया जाता है, उपकरणों की पहचान करने के लिए किया जाता है, खोजने के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस हम लोग बोलते हैं कि उसका आईपी एड्रेस सेंड कीजिए, तो जी उसका देखते हैं लोकेशन कहाँ पे है और पूरा डिटेल, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या पता है उसके बारे में सब कुछ डिटेल जानकारी भेज देता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि चलिए मैं ज्यादा देर तक बोलने लगता हूँ ना, इससे पहले लगातार इसके पहले एक वीडियो शूट किया था उसमें बोला उतना देर तो जमाई आने लगता है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो देखिए इंटरनेट प्रिंटर बिना इंटरनेट के भी चल जाएगा, स्कैनर चलेगा बिना इंटरनेट का चल जाएगा, मॉडेम नहीं चलेगा, ठीक है। मॉडेम क्या होता है? एक वाईफाई की तरह होता है जिसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर। एक मिनट लाइन कट गया। तो वाईफाई की तरह होता है, ठीक है, मॉडेम जिसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और बिना इंटरनेट के बिना मॉडेम के आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपका आवश्यकता होता है, मतलब वाईफाई की तरह है, ठीक है। कनेक्ट कीजिए मॉडेम, उसके बाद फिर चलाइए। अगला हमारा कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ईमेल। ईमेल का जो प्राइमरी फंक्शन है वह क्या है? तो देखिए जनरली हम लोग मैसेज को सेंड करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो कहाँ है? टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। तो सेंड और रिसीव करने के लिए पढ़ते हैं। कौन है रे बेटा को पीट लेंगे थोड़ा सा, रुकिए तो जी। तब से मतलब बच्चा सब में बहुत बदमाशी करता है, दरवाजा पे आके एकदम खटखटाने लगता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ कैन यू गेट एन ईमेल अकाउंट, ठीक है, आप ईमेल कैसे बनाते हैं? तो सिंपल सी बात है यार कि हम लोग ईमेल कैसे बनाते हैं, तो ईमेल का कोई भी एक रजिस्ट्रेशन करके हम लोग ईमेल बना सकते हैं। तो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन? किसी दुकान से खरीद कर, बापरी दुकान से ईमेल मिलेगा? इंटरनेट से डाउनलोड करके? नहीं नहीं, ईमेल सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण करके, हाँ रजिस्ट्रेशन करके, बाय रजिस्टरिंग विथ एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे ईमेल या हॉटमेल या किसी का भी हम लोग ईमेल बनाते हैं, चाहे गूगल से बना लेते हैं,
उसमें आपका नाम रहता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एड्रेस नहीं लगता है, डेट ऑफ बर्थ लगता है, ठीक है, एज पूछता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। देखिए हम लोग ईमेल एड्रेस बना लेते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। देखिए इनमें से कौन सा बहुत पॉपुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, तो जीमेल हम लोग सबको यूज करते हैं जीमेल का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तो एक ऐप है, एडोब फोटोशॉप, ये सही रूप से इन्होंने नहीं दिया, यहाँ पे अगर दे देता जीमेल या फिर हॉटमेल दे देता तब आप लोग कंफ्यूज होते, ठीक है, एप्पल मेल दे देता अलग से, ठीक है, तब कंफ्यूज होते हैं, तो जीमेल यहाँ पे हो जाएगा सही, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम क्या 99% लोग जीमेल का यूज करते हैं और कुछ कुछ 1-2% लोग आपका इसका यूज करता है, एप्पल वगैरह का, हॉटमेल वगैरह का, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे कि व्हाट इज द यूज ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, तो इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए किया जाता है, इंटरनेट में सर्च करने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, जैसे गूगल क्रोम का क्या करते हैं, सर्च करने के लिए, टू एडिट इमेज ना, एडिट करने के लिए नहीं करते हैं, टू ब्राउज द इंटरनेट, हाँ इंटरनेट में सर्च करने के लिए करते हैं, यहाँ पे होना चाहिए टू सर्च द इंटरनेट, ठीक है, या ब्राउज द इंटरनेट, दोनों सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। क्रिएट अ स्प्रेडशीट, नहीं, स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम लोग एमएस एक्सेल का यूज करते हैं, टू मैनेज डेटाबेस, डेटाबेस बनाने के लिए भी हम लोग एमएस एक्सेल का यूज करते हैं, चाहे एमएस एक्सेस का यूज करते हैं, ठीक है, और इंटरनेट का यूज करते हैं, ब्राउजर का यूज करते हैं इंटरनेट में खोजने के लिए। अगला हमारा यहाँ पे कि व्हाट इज हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होता है, तो देखिए जो कहीं पे देखिएगा कि ब्लू ब्लू लिंक होता है उसको क्लिक करने से एक नया लिंक खुल जाता है, तो वही आपका हाइपरलिंक है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक पाठ या छवि जिसे आप किसी नए दस्तावेज या वर्तमान दस्तावेज के भीतर किसी नए अनुभाग पर जाने के लिए क्लिक कर सकते हैं। देखिए ना कहीं कहीं पे ब्लू ब्लू लिंक बना होता है, इसको क्लिक करने से दूसरा लिंक खुल जाता है, तो वही वाला हाइपरलिंक है, ठीक है। मैं हाइपरलिंक बनाने जानता था यार, भूल गया, बहुत दिन से नहीं बनाया हूं इसलिए, चलिए सीख लूंगा, फिर से जरूरत होगा तो सीखे जाइएगा, जरूरत इंसान को कुछ भी सिखा सकता है, एक चीज जान लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट डज एचटीएमएल स्टैंड फॉर, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन A में हमारा है, ठीक है, और ये एक प्रकार की भाषा भी है HTML, इसको सीखिएगा, हैशटैग क्या क्या था यार, स्लैश, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट लिख के करना होता है HTML, अगर आप सीखे होंगे तो, ठीक है, फिर आपका ओपन द ब्रैकेट, क्लोज द ब्रैकेट, और इसी तरह से आप लोग फिर करते हैं .html, ठीक है, कोडिंग किए हैं, कोडिंग नहीं किए हैं, कोडिंग किए होंगे तो मालूम होगा आपको। नेक्स्ट आपका यहाँ पे व्हाट इज फायरवॉल, फायरवॉल क्या है, ठीक है, तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कहाँ गया, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट हेल्प प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। देखिए ये और टाइप ऑफ ब्राउजर नहीं, ब्राउजर नहीं है, और ईमेल क्लाइंट और सर्च क्लाइंट नहीं, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर को सुरक्षा पहुंचाने का काम करता है फायरवॉल, ठीक है, बस इतना ही जानिए, और सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब जो वायरस वगैरह है उससे रक्षा करता है, ठीक है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि वायरस से रक्षा करता है, एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो कंप्यूटर नेटवर्क को अनअधिकृत पहुंचने में मदद करता है, इससे बचाने में मदद करता है यार, मैंने भी गलत पढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कि व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, H से होता है हाइपर, T से होता है टेक्स्ट, T से होता है ट्रांसफर, P से होता है प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये बहुत सारे नियम कानून का एक सेट होता है, किसका सेट होता है, बहुत सारे नियम और कानून का एक सेट होता है जिसको हम लोग HTTP बोलते हैं, शॉर्ट में पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल रेगुलेशन, ठीक है, कहा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। अगला हमारा है यहाँ पे कि कहा गया यार, ये वाला ना, इतना नीचे में, नहीं नहीं ये वाला है, व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग क्या है, तो फोन आता है, हाँ सर हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट सीज होने का है, चाहे आपका अकाउंट में इतना बैलेंस आया है, तो आपको लेने के लिए आपका OTP भेजेंगे, वो आपका OTP सेंड करना होगा, और जो आपका पता चल रहा है आपका पैसा गया भीतर, मेरा 12,000 गया है, ठीक है, अभी तक नहीं मिला है, तो ये फिशिंग है। फिशिंग क्या है, तो साइबर क्राइम है, ठीक है, तो देखिए
ये वेबसाइटों को सुरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक नहीं, एक विश्वसनीय संस्था के, विश्वसनीय संस्था कहाँ है यार, ठगी होता है तो कि क्या है कि एक विश्वसनीय संस्था के रूप में प्रच्छन्न होकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का एक धोखाधड़ी प्रयास है। ठीक है, तो ये क्या है, एक धोखाधड़ी है, पैसा का हम लोग को ठग लेता है, इसी को हम लोग फिशिंग बोलते हैं। और इसके लिए फेमस है जामताड़ा, ठीक है, कर्माटोली गांव, ना कर्माटोली गांव है जी, मैं भूल गया नाम, वेब सीरीज भी बना है जामताड़ा, हम जामताड़ा के चौर देवता है। पूछता लॉकडाउन का हीरो कौन है, बोलिए लॉकडाउन का हीरो कौन है, मोदी जी, गलत जवाब, सोनू सूद लॉकडाउन का हीरो। ठीक है, तो उसी तरह से बहुत सारा डायलॉग भी है वहाँ पे, और गाली वगैरह भी बोलता है, झारखंड का बच्चा तो गाली नहीं बोलेगा। चलिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडेम, मॉडेम का क्या काम होता है, तो देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, यह जो है इंटरनेट को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में और विस्तार से परिवर्तित करता है। इतना नहीं याद करना होगा, बस इतना याद रखिए कि मॉडेम इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है, जैसे कि वाईफाई। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, कहाँ है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम ऑप्शन ए। जितना भी फुल फॉर्म है सब याद कर लीजिएगा, मुझे याद है क्योंकि मैंने सीजीएल का जब प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब अभी भी कर ही रहा हूँ, लेकिन अब उतना ध्यान नहीं है यार, अब काम उम करना है, लगेगा तो भी ठीक, नहीं लगेगा तो अभी ठीक। ठीक है, नौकरी करके उम्र तो बर्बाद नहीं कर देंगे अपना। ठीक है, क्या कि और भी कुछ करना है ना, खाली नौकरी के भरोसा में रहेंगे, नौकरी आजकल नहीं लगता है मालूम है, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ लेकिन भी नौकरी नहीं ले पाया हूँ अभी तक, बहुत बार वेटिंग लिस्ट में भी गया, गड़ूर कमांडो में भी छटा के आ गया, चलिए वो कभी बताऊंगा अलग दिन। तो यहाँ पे डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, सब जितना भी है सबको याद कर लीजिएगा, इंडियन ऑयल मार्केटिंग ऑफिसर में भी छटा किया गया हूँ वेटिंग लिस्ट में। चलिए अगला है हमारा कि व्हाट इज अ राउटर, राउटर क्या है, राउटर क्या है, व्हाट इज अ राउटर। देखिए राउटर क्या है कि यह आपका एक कंप्यूटर का नेटवर्क है जो कि डेटा को सेंड करने का काम करता है। ठीक है, तो कहाँ हो गया, डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेज बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ ये सही है। ठीक है, कि ये एक प्रकार का डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के नेटवर्क को सेंड करने का काम करता है, डेटा पैकेज को अग्रेसित करने का काम करता है। इतना टफ हिंदी लिखता नहीं लोग, लिखिएगा कि राउटर एक प्रकार का डिवाइस है जो कि डेटा को सेंड करने का काम करता है, बस इतना याद रखिए। अगला हमारा SSL। ठीक है, व्हाट इज SSL यूज फॉर, तो SSL यूज, एक मिनट यार, क्वेश्चन क्या था हमारा कि व्हाट इज SSL यूज फॉर, SSL इसका यूज किस लिए करते हैं, तो पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। देखिए SSL का इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर, क्या था यार इसका नाम बोल रहा हूँ, सिक्योर लेयर करके कुछ है। ठीक है, सिक्योर मतलब ये जो है ना सुरक्षा का काम करता है, लेकिन फुल फॉर्म में इसका बोल रहा हूँ सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर इसका फुल फॉर्म होता है, और यह क्या करता है कि सुरक्षा का काम करता है, हम लोगों को सेफ्टी देने का काम करता है जब हम लोग किसी को इंटरनेट वगैरह सेंड करते हैं। ठीक है, तो दस्तावेज को संपादित नहीं, एडिट करने का काम नहीं करते हैं। टू एनक्रिप्ट डाटा ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट, हाँ जब हम लोग इंटरनेट को सेंड करते हैं तो यह हमें सुरक्षा का काम देता है, सिक्योरिटी का काम देता है। ठीक है, इंटरनेट पर प्रेषित डेटा को एनक्रिप्ट करने में के लिए। ठीक है, और लिख लीजिएगा SSL का उपयोग इंटरनेट को सेंड करते टाइम हमें सुरक्षा का काम देता है। ठीक है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि व्हाट इज सॉरी व्हाट डज BOIP स्टैंड फॉर। तो देखिए आईपी का फुल फॉर्म सबको जानते होंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, और बीओ का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट हमारा है कि URL का फुल फॉर्म क्या है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अभी तो पढ़े थे यार कहाँ गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हाँ इतना ही जानिए, इतना इसके आगे लिखा है फालतू है, विच इज द एड्रेस ऑफ रिसोर्स लोकेटर ऑफ इंटरनेट। चलिए तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वॉट इज द पर्पज ऑफ VPN, VPN का यूज किए हैं। देखिए जनरली आदमी जब क्या करता है कि
किसी को ठग उग करता जाए, मतलब कोई इलीगल चीज देखते हैं अपना मोबाइल पे वीडियो पे, ठीक है आप लोग डर जाइएगा, नहीं नहीं हम नहीं करते हैं। अरे भाई हम आपको थोड़ी बोल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। सपोज दैट आप किसी को हैक कर रहे हैं या फिर किसी से बात कर रहे हैं जो दूसरों तक नहीं पहुंचे। सपोज दैट जैसे आप किसी फोन वगैरह करता है ना कि साइबर क्राइम वाला, वो लोग वीपीएन का यूज करता है, ठीक है। वीपीएन का यूज करके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और यह भारत में बैन है वीपीएन, ठीक है, वीपीएन इंडिया में बैन है। क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल में वीपीएन डाउनलोड कीजिएगा ना, तो आपके मोबाइल में कुछ भी हो किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए जनरली आदमी इलीगल काम करने के लिए वीपीएन का यूज करता है, ठीक है। बहुत जगह लीगल काम करने के लिए भी, सही काम करने के लिए यूज करते हैं, मैक्सिमम आदमी इसका गलत उपयोग करता है, वही लोग इसका यूज करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो यह भारत सरकार के द्वारा बैन किया गया है। और वीपीएन का उद्देश्य क्या है, तो गुप्त रखता है, टू सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन ओवर अ पब्लिक नेटवर्क, सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करता है, ठीक है, गुप्त रखता है, आपके चीजों को आप तक ही, किसी और तक फैलने नहीं देता है, ठीक है। तो क्या बताएं कि आपके मोबाइल में कुछ भी हो या लैपटॉप में कुछ भी हो, दूसरों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करता है, नोट कर लीजिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखिए कंप्यूटर पढ़ने से क्या होता है ना कि बहुत सारा चीज आपको जानने को मिलेगा जो कि आप नहीं जानते हैं। अगला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन नेम एक्सटेंशन। देखिए डोमेन का एक्सटेंशन क्या है, देखिए लास्ट में जो हम लोग यूज करते हैं ना .com, .nic, ठीक है, .gov, तो ये सभी आपका डोमेन नेम है। कॉम का मतलब होता है आपका क्या होता है, कॉमर्शियल, ठीक है। और अगर कहीं पे लिखा है .gov मतलब वो गवर्नमेंट का है, .nic मतलब वो भी आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है आपका डॉट, बहुत सारा है यार, .org मतलब कोई संगठन है, ठीक है, बहुत सारा होता है इस तरह से। .edu लिखा है मतलब कोई एजुकेशन का संस्था है, ठीक है। तो .com ये आपका एक डोमेन नाम है, बाकी HTTP एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। FTP सबको फुल फॉर्म बता देता हूँ, .com का है कॉमर्शियल, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तीनों नहीं है, बाकी ये ओनली एक है ऊपर वाला, ठीक है। खेले क्या होता है, सोलो से खेले, तेरी तो हस्ती है क्या, एक बार जिसने दारू ये पी ली, बेहोश से ये हो गया, क्या बोलते हैं जी गाना, तो पागल हो गया। अगला हमारा कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ सर्च इंजन इंडेक्स। सर्च इंजन इंडेक्स का मेन उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो जनरली इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो देखिए हो जाएगा टू ऑर्गेनाइज एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब इफेक्टिवली। सर्च इंजन का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हमको सर्च करना होता है, फाइंड करके हम, मतलब बहुत सारे जानकारी को खोजने के लिए, ठीक है। तो जानकारी को खोजने के लिए डायरेक्ट लिखिएगा सर्च इंजन का उपयोग क्यों करते हैं, आंसर लिखिएगा जानकारी को खोजने के लिए, ठीक है, मनचाहा जानकारी को खोजने के लिए, ऐसा कर दीजिएगा। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर एंड व्हाई इज इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पूछा गया है कि HTTP का फुल फॉर्म कितना बार बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यही वाला हो जाएगा, ठीक है। और इसका उपयोग जो है बोला गया है कि यह सुनिश्चित करता है कि ब्राउजर और सर्वर के बीच प्रेषित डेटा एनक्रिएटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया, व्हाट डज अ डोमेन नेम रजिस्टर डू, ठीक है। तो डोमेन नेम का जो रजिस्टर होता है क्या करता है, तो देखिए यह जो है नाम को एक तरह से रिजर्व करके रखता है, ठीक है। डोमेन नेम जैसे .gov, .org, .nic, .edu, तो ये क्या है आपको रिजर्व करके रखता है नाम को, ठीक है। तो एक क्रिएट अ मेंटेनेंस वेबसाइट नहीं, वेबसाइट क्रिएट मेंटेनेंस ये नहीं देता है। इट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस नहीं, इंटरनेट एक्सेस तो मॉडेम देता है भाई, ये भी नहीं होगा। टू मैनेज एंड रिजर्व ऑफ डोमेन नेम, हाँ डोमेन नेम को ये मैनेज करता है और रिजर्व करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इट कंट्रोल द कंटेंट ऑफ वेबसाइट नहीं, वेबसाइट को अभी कंट्रोल नहीं करता है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। और अगला है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़िएगा। चलिए इसको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा, आज यहीं तक। वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन जो भी क्या बताएं, पढ़ाई छोटा छोटा होता तो फिर काहे ले पढ़ते हैं ना, बारहवीं तक पढ़ के छोड़ देते हैं। ग्रसन कर रहे हैं, मजाक थोड़ी है, और पहले वाला ग्रसन थोड़ी है कि 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 4 साल में अब होता है। अच्छा यहाँ पे लिखा है जावा, जावा मतलब क्या, ईटी जावा, क्या क्या जावा, जो हम लोग सावन महीना में गाते हैं ना, वो वाला जावा नहीं। जावा एक प्रकार का भाषा है, कंप्यूटर का भाषा। पाइथन क्या, पाइथन मतलब होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको यार, अजगर, अजगर है पाइथन मतलब, नहीं पाइथन मतलब अजगर नहीं, पाइथन भी एक कंप्यूटर का भाषा है। रूबी, जावा, क्वेश्चन क्या था यार, सी, हैशटैग भी एक भाषा है, रूबी का मालूम नहीं, रूबी, रूबी तो एक ऐसी है, क्या बोलते हैं उसको, अबरक को रूबी बोला जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, एंड इसका पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, प्रोफेसर गैस पेपर का है ये नोट्स वगैरह, अगर आप नहीं खरीदे तो खरीद लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू, बाय। और हाँ, प्रीवियस ईयर भी मैंने डाल दिया है, मारवाड़ी कॉलेज का जो एग्जाम हुआ था उसका, तो उसको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैच कर जाएगा। बाय, अब खा पी के सोएंगे आराम से, फिर सुबह उठ के, भोरे उठ के पढ़ना शुरू, काम करना शुरू, फिर पढ़ाओ, मतलब काम करो, पढ़ो, खाओ पियो, यही करना है, और क्या करना है यार, अकेले लाइफ में ना परेशान हो गए।